आप लोग चेंज की बात कर रहे थे, हाँ। रोडीज में आने वाले चेंज के, क्या कुछ चेंज देखना चाहेंगे आप लोग? यार मैं देखता नहीं हूँ टीवी एक्चुअली नहीं, मैं मजाक कर, मैं ऐसे बोलता हूँ कि देखो हमने जो कहना था जो हमने करना था 10 साल हम कर चुके हैं, आप लोग झेल चुके हैं, ठीक है। कई लोग कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, गालियाँ नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमने एक की नहीं सुनी, अब लोग हमारी क्यों सुने? हम क्यों किसी को बोले कि ऐसा करो ऐसा ना करो? जिस मेहनत से जिस शिद्दत से हमने बनाई है बस उसी मेहनत और शिद्दत से वो बनाए, ये भूल जाए कि रघुराज जी क्या चाहते हैं। हम एक अंश हैं, एक पार्ट हैं, जो एक पूरा टीम का हिस्सा है, हमने साथ में मिलकर बनाया, उनको भी हक बनता है वो अपने तरीके से बनाए। प्लीज हमारी ना सुने इस बारे में, हम भी पॉपकॉर्न खाते हुए मजे लेना चाहिए इस शो का। सर रोडीज क्विक करने का, इसी तरह का अगर कोई नया शो मिल जाए, सेम रोडीज जैसे नया शो मिल जाए मतलब बनाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग गलती से कैमरा के सामने आ गए, वैसे 20वां साल चालू है हमारा, 20 साल खत्म होने वाले इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और हाँ मतलब आपका ये कैमरा मैं चला सकता हूँ, ये माइक मैं मेरे को पता है, okay? कोई भी माइक तोड़ सकता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि हमारा मेन काम जहाँ हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो एक नई चीज़ क्रिएट करने में आता है। ज़रूर हम नई चीज़ नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे चैनल से हमारी बातचीत भी है, ज़रूरी नहीं है हम ऑन एयर आएँ, क्योंकि हमारी जो कंपनी है मोनोज़ाइगोटिक उसके लिए हमारा वक्त बहुत जाता है और हमें खुशी खुशी वो वक्त हम देते हैं, क्योंकि उसमें मज़ा आता है। अगर टाइम मिला, अगर कॉन्सेप्ट में दम है और हमारी ज़रूरत है तो ज़रूर आएंगे। सीधी बात है, रोडीज हम 10 साल पहले थे, अब हम मोनोज़ाइगोटिक हैं, एक नई दुनिया है सामने, इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल कंटेंट का ज़माना है, और मेरे हिसाब से हम डिजिटल में ऐसा कुछ कर सकते हैं जो टीवी में हम नहीं कर सकते, यू नो, वहाँ पे खेलना हमें ज़्यादा पसंद है। तो और ये हमारा, और फैंस को भी मैं ये कहना चाहूँगा, रोडीज के फैंस को, कि या खासकर उनको जो हमसे नफरत करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि रोडीज का सफर हमारा खत्म हो चुका है, हमारा वोट आउट हो चुका है, ऑब्वियसली हमने खुद को हिट विकेट करके सेल्फ वोट कर दिया। अब ये जो हम वो गुस्सा होता था, लड़ाइयाँ होती थी, उनको भूल जाए, अब हमें जानने की कोशिश करो यार, हम भी अपने आप को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, हम वो नहीं है जो आप समझते हैं। जजेस या बॉस कुछ कमाल नहीं कर पाते रियलिटी शो को, तो उन्हें चेंज किया जाता है। तो लेट्स अज्यूम इफ दिस पर्टिकुलर रोडी सीजन डजंट गार्नर इनफ टीआरपी एंड इफ एमटीवी अप्रोचेस यू, वुड यू गाइस बी ओपन टू? देखिए ये एक बार हो चुका है, हम रोडी 6 के बाद रोडीज हमने छोड़ दिया था, 7 के बाद हमें वापस बुलाया गया। अलग बात यह है कि आप शुरुआत से ही पहले ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई शादी करता अच्छा, है अगर, तो ये तो बोला कि अगर अगर तलाक हो जाए तो तुम्हारी बहन क्या कर रही है आजकल, ऐसे नहीं होता ना। अगर आपका अगर आपकी अपनी पत्नी के साथ बनी नहीं तो क्या आप अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहेंगे? ऐसा तो सोचते नहीं ना। देखिए बार बार मैं इस चीज को बाय नहीं बोल सकता, 2 बार ऑलरेडी हो चुका, मैं तीसरी बार आऊंगा, तीसरी बार बोलना पड़ेगा, मेरे को नहीं करना बहुत। वो कहते हैं ना कि और भी गम है दुनिया में मेरे दोस्त, मोहब्बत के सिवा। रूडीज के अलावा और भी जगह है जहाँ हम गालियाँ खाना पसंद करेंगे लोगों से। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वो